अस्सलाम वालेकुम मौजीज नाज़रीन, एशियन टीवी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। शादी करने के एक साल बाद खुला ले लेने के लिए शोहर की जानिब से बीवी पर जोर जबरदस्ती की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक एनटीआर नगर की रहने वाली नईम फातिमा की शादी एक साल कबल सैयद कलीम नामी शख्स से हुई थी। एक साल गुजर जाने के बाद नईम फातिमा को पता चला कि सैयद कलीम पहले से ही शादी शुदा है। एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन शादी कर चुका है और नईम फातिमा इसकी चौथी बीवी है। नईम फातिमा के पूछने पर उनके साथ मारपीट करते हुए नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए लड़की को फिजिकली वो मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। सैयद कलीम की जानिब से एलबी नगर मस्जिद मोहम्मदिया के सदर जनाब इकबाल अली साहब और मोहम्मद यूसुफ, सैयद सरवर, शेख हमीद जो कि खाजी है और दीगर अफराद की जानिब से लड़की को खुला ले लेने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है और इसके बदले उसे कुछ रकम दिलवाने का भी मुतालबा किया जा रहा है। ये लोग शादी करवाने में भी मुलविस थे। ये तमाम लोग मिलकर ऐसे ही सैयद कलीम की चार शादियां करवा चुके हैं और दो से खुला भी करवा चुके हैं। इकबाल अली, मोहम्मद यूसुफ, सैयद सरवर, शेख हामिद, ये लोग शादी और खुला करवाने के लिए मोटी रकम भी लिया करते हैं। मुतासरा लड़की के वालिद ने तमाम आला अहदेदारों से इनकी भरपूर मदद करते हुए इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है, वरना परेशानी के आलम में इन्होंने खुदकशी करने का भी इंतबाह आयद किया है। आइए सुनते हैं मजीद दुख भरी कहानी इनके वालिद मोहतरम की जबानी। पेश है फारूक खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए खसूसी रिपोर्ट। मजीद ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नईम फातिमा है, मेरे शोहर का नाम सैयद कलीम है, मैं इंडिया नगर से हूँ। मेरी शादी होके एक साल हो रहा। आप कितने महीनों से आप अपने वालिद के घर पे हैं? चार महीने से मैं अपने वालिद के घर में हूँ। क्यों है? मेरे शोहर के लोग, मेरा शोहर मेंटली हरासमेंट कर रहे थे मेरे को घर पे। जी क्यों, वजह? उन्होंने चार शादियां कर लिए तो उस वजह से मैं पूछना चाह रही थी कि उनको कि ये शादियां क्यों करे, दो तीन शादियां करे, आप मेरे से छुपाए बोलने से उन्होंने क्या करे, उनके लोगों को बुला के मेंटली हरास करे मुझको। अच्छा। और जी आपको नहीं मालूम था पहले आपके शोहर के चार शादियां की? नहीं मालूम था मेरे को, इतला नहीं करे उन्होंने, बाद में मालूम हुआ तो पूछे तो उन्होंने हम चार चार शादियां करते, हम मर्द आदमी है, ऐसा मेंटली हरास कर रहे थे उन्होंने और मार रहे थे, गालियां दे रहे थे। आपके शोहर ही आपके साथ हरास कर रहे थे या और भी कोई लोग आए जो आपको हरासमेंट कर रहे थे? और चार लोग हैं मेरे शोहर के साथ। जी, सैयद सरवर जी और बड़े मस्जिद के एलबी नगर के बड़े मस्जिद के इकबाल अली सदर साहब और यूसुफ अली जी और उनके मेरे शोहर की पहली बीवी जी, चारों मिलके मेरे को टॉर्चर कर रहे थे। नहीं, किसी चीज का आपको आज दे रहे थे क्या, कुछ चीज के लिए के मतलब लेके करके खत्म करो बल्कि ऐसा कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, वो भी बोल रहे थे कि तीन चार लाख रुपए दे डालते हम, छोड़ डालो मेरे शोहर को बोल के, उनकी बीवी मेरे वालिद के घर पे आके टॉर्चर कर रहे थे और वो गालियां दे रहे थे, छोड़ डाल मेरे शोहर को बोल के। अच्छा जी, मैं मोहम्मद उस्मान, मेरी बेटी नईम फातिमा, इसका शादी करके जो है ना तकरीबन एक साल हुआ, इसका शोहर जो है ना अब चार महीने से मेरे घर को भेज दिया है और जो है ना बच्ची को टॉर्चर कर रहा है। ये इसका एक बड़ा भाई था सैयद सरवर, मेरे घर को आगे खुशामद करके तुम्हारी बेटी की शादी करो बोल के मेरे साथ जो है ना बार बार जो है ना खुशामद करा। बोला नहीं भाई ऐसी सी बात है, बोलते नहीं नहीं आप करो हम संभाल लेते बोल के बोला। फिर अब जो है ना एक चार महीने से घर को भेज दिया, शादी हो गई एक साल होगा, अब उसके बाद घर को भेज के जो है ना मैं पूछा क्यों फ़ोन करके तो नहीं, हम बात नहीं करते, तुम्हारी बच्ची को छोड़ना चाह रहे, बच्ची को हरासमेंट कर रहा, बच्ची को जो कौन कौन हरासमेंट कर रहा है? ये इसका ये सैयद सरवर और हाजिरा और इकबाल अली साहब, यूसुफ अली साहब, उनके जो है ना रिश्तेदार है। ये सैयद सरवर बड़ा भाई है, हाजिरा उसकी बड़ी भावज है, सैयद इकबाल अली उनका चचा है जो एलबी नगर के सदर साहब हैं मस्जिद के, और ये यूसुफ अली उनका बहन भाई है, वो तो बिल्कुल जो है ना तुम्हारी बच्ची नहीं रहती, तुम्हारी बच्ची ऐसी है वैसी है, बच्ची पे इल्ज़ाम लगा रहा और बच्ची को छोड़ना चाह रहा। अब मैं वो फ़ोन कर रहा था भाई नहीं तुम्हारी बच्ची को मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, नोटिस भेजा वो भेजा ऐसा बोल रहा, अभी तो कोई नोटिस भी नहीं आई और जो है ना पूछे तो कुछ जवाब भी दे रहा और मीटिंग रखेंगे मस्जिद को बोल तो मस्जिद भी नहीं आ रहा और जो है किसी से बात कराए तो बात नहीं कर रहा। अब क्या करते जाओ तुम, मैं नोटिस भेज दिया, नोटिस के जरिए तुम जवाब दो बोल के मेरे को ऐसा हरासमेंट कर रहा और बच्ची को भी हरासमेंट कर रहा। अब ये आप पुलिस स्टेशन पहले गए थे क्या? हम अभी तक पुलिस स्टेशन नहीं गए।
क्यों नहीं गए फिर, क्यों कम नहीं गए? बोले तो हम हमारी बच्ची को हम उसके पास रखना है हमारे को, अब छुड़ाना नहीं है उसके साथ, हम उसको जो है ना बिल्कुल, और उसकी शाहीन जो बड़ी दूसरी बीवी है, पहली बीवी है, वो घर को आके मेरी बच्ची को गाली गलौज करके परेशान करके तेरे को 1,00,000 रुपये दे देती, तेरे को पैसा दे देते तू छोड़ दे बोल के, और वो सैयद अरब भी वो हाजरा भी उनके पीछे जो ना उनको लगा के भेज दे रही है वो शाहीन को, कैसा भी छोड़ा दो बोल के बोल रहे, अभी हम ये कैसा करना, हम बहुत परेशान हैं, मैं गरीब आदमी हूँ और जो ना मेरे को मेरी बच्ची की जिंदगी चाहता हूँ मैं, बच्ची के लिए आप जो ना आप ये सही हिसाब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका इंसाफ हो, इसका इंसाफ हो। आपकी बच्ची को कौन कौन सता है? ये सैयद सरवर और हाजरा इसकी भावज, और इसका जो यूसुफ अली जो इसका बहन वही है, और इकबाल अली साहब उनके सदर साहब जो मस्जिद के बस हैं वो भी आ गए, मुतवरी की बातें कर रहे हैं, समझा के उसको तो नहीं नहीं मेरे से हाथ नहीं होता, मेरे नहीं सुन रहा, मेरे को चले जाओ बोल रहा, मेरे को हट जाओ बोल रहा, ऐसे जो है ना बातें करके मेरे बच्ची को परेशान कर रहा, और 4 महीने से मेरे घर में रख दिया उसको, और बच्ची को फ़ोन करे तो बात नहीं उठा रहा और नहीं लेके जा रहा, और मैं बच्ची को छोड़ना चाह रहा हूँ बोल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करना। अब इसके बाद मैं बच्ची के बारे में इंक्वायरी करा ये कलीम की, तो इन्हें जो है ना ऑलरेडी इससे पहले 2 बच्चियों को छोड़ दिया है, और मेरी बच्ची भी टॉर्चर करके परेशान करके भेज दिया, और बोल रहा कि मैं 4-4 शादियां करता हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं तुमको छोड़ना चाह रहा हूँ, और ये ऐसा हिसाब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका इंसाफ अदल जो है ना आसानी से हमारा कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से हमारा इंसाफ दिलाइए। डॉक्टर सैयद आयुर्वेदिक एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर सैयद जो इंटरनेशनल अवार्ड बेस्ट क्रॉनिक डिसीज स्पेशलिस्ट अवार्ड विनर हैं, वो अपनी बेहतरीन एलोपैथिक प्रैक्टिस और खानदानी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से तमाम अमराज का बगैर ऑपरेशन या डायलिसिस के मुकम्मल क्योर इलाज कर रहे हैं। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, जैसे गुर्दे फेल हो गए हो या डायलिसिस करवा रहे हो, गुर्दे में पथरी हो या गुर्दे के किसी भी अमराज, बवासीर खूनी हो या कुम हो, डायबिटीज, पित्ते का कंकर, लिवर के अमराज, मर्दानी कमजोरी, लेडीज के गुप्त अमराज, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, पिंपल्स और फेयरनेस, वेट लॉस या वेट गेन, किसी भी अमराज का क्योर ट्रीटमेंट कम से कम अखराजात में किया जाता है, तो फौरी डॉक्टर सैयद से राब्ता करें। अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्टैक्ट करें डॉक्टर सैयद क्लिनिक, मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर रोड, हैदराबाद। हमें कॉल करें 7989376363 पर। शहर की आवाम बिलखसूस मर्द हजरात के लिए खुशखबरी। जी हाँ नाज़रीन, फैशन की दुनिया में एक और नया नाम जुड़ चुका है, सस्ता बाजार मेंस एंड किड्स वेयर, जो सिर्फ नाम से ही सस्ता नहीं बल्कि वाकई में वहाँ पर इंतहाई सस्ते व वाजबी दामों पर तमाम बेहतरीन क्वालिटी के और ब्रांडेड मर्दाना व बचकाना मलबूसात दस्तियाब है। महज 20 रुपये से लेकर 1,000 रुपये की रेंज में आपको बेहतरीन व हमा अकसाम के मलबूसात एक ही छत के नीचे दस्तियाब रहेंगे। यहाँ पर डेली वेयर, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्रैक्स, रेनकोट्स के अलावा दिगर हमा अकसाम के मलबूसात भी इंतहाई वाजबी दामों में दस्तियाब है। सस्ता बाजार का पता है मोइनबाग, जमाल कॉलोनी, ऑपोजिट एसके मीसेवा, या फिर आप दिए गए इस नंबर पर भी कॉल करके मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नंबर है 8522903430 या फिर 6303516920 पर भी कॉल कर सकते हैं।